कोरोना वायरस चीन समेत कुछ अन्य देशों में कहर बनकर पहले से ही टूट चुका है और अब भारत ने भी इस जानलेवा वायरस की पुष्टि कर दी है। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने ये घोषणा की है कि दिल्ली और तेलंगाना के 2 व्यक्तियों में ये वायरस फैल चुका है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के जिस व्यक्ति पर इस वायरस की पुष्टि हुई है वह इटली से लौटा है, वहीं तेलंगाना में जिस व्यक्ति में इस वायरस की पहचान हुई है वो दुबई से आया है। बता दें कि इससे पहले भारत ने कोरोना वायरस के 3 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। ये तीनों मामले केरल से थे, जहां मरीजों को इलाज के बाद ठीक कर दिया गया था। इन ताजा चिन्हित व्यक्तियों के बाद स्वास्थ्य विभाग फिर से अलर्ट हो चुका है और कई राज्यों ने भी अपने यहाँ स्वास्थ्य अलर्ट जारी कर दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन से फैला ये कोरोना वायरस अब तक 70 देशों में फैल चुका है और इसकी चपेट में आकर दुनिया भर में 3,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 88,000 से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। हाल ही में इस वायरस को लेकर इजरायली खुफिया एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी ने यह भी दावा किया था कि चीन ने खुद कोरोना वायरस को लैब में ही विकसित किया है, क्योंकि वो इससे जैविक हथियार तैयार कर रहे थे। हालांकि चीनी सरकार ऐसे तमाम दावों को सिरे से खारिज कर रही है। उसके मुताबिक इस वायरस का लैब से कोई लेना देना नहीं है। चकाचक एक्सप्रेस से राजेंद्र की रिपोर्ट।